एबीपीएस न्यूज। एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद हाथरस के ब्लॉक हाथरस में स्थित कलवाड़ी गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 1 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर है। लगभग 6000 की आबादी व 2850 वोटरों द्वारा राजकुमार पोनिया को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 1100 राशन कार्ड धारक हैं। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्राइमरी पाठशाला एवं जूनियर हाई स्कूल में लगभग 235 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गांव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 50 हैंडपंप लगे हुए हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा 6 हैंडपंपों को भी रिवोल कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में लगभग 250 विद्युत पोल, 10 विद्युत ट्रांसफार्मर एवं सोलर लाइट भी लगी हुई हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 17 सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, पानी निकासी के लिए नाली, 12 कूड़ेदान व खेल का मैदान का निर्माण भी कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 405 इज्जत घरों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, स्वास्थ्य केंद्र, बारात घर, शमशान घाट, ग्रामीण बैंक, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं प्रधान राजकुमार पौनिया, ग्राम प्रधान कलवारी, ब्लॉक हाथरस, तहसील हाथरस, जिला हाथरस। हाथरस जिले का प्रथम ODF गांव है, गांव कलवारी। गांव में सभी समस्याओं का समुचित रूप से निवारण किया जा रहा है। करीब 17 गली पक्की करा दी है, पोखरिया साफ करा के उसकी बाउंड्री वॉल करा दी गई है। करीब 4 चक्रोटों पर मिट्टी डलवा के उनका कार्य पूरा करा दिया गया है। करीब 405 शौचालय गांव के अंदर बनवा दिए हैं। और मेरी सरकार से मांग है, मुझे गांव के अंदर एक स्वास्थ्य केंद्र, एक बैंक और गांव से गांव लिंक रोड, मुझे 2 गांव के लिए लिंक रोड निकालने हैं, उन समस्याओं को खत्म किया जाए।